हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात कर रहा हूं, वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म। कोई हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है ये, और इस हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म अप और डाउन इस तरह से क्या कर रहा है, एसएचएम। और इसके एसएचएम करने का टाइम पीरियड टी है, एम्पलीट्यूड इसका ए है। क्लियर है ये बात? ये बात मैंने लिखी है यहां पर। लेट ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग वर्टिकली अप एंड डाउन विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन फिगर। और फिगर बना लिया जाए, जब ये प्लेटफॉर्म इस एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, जब ये प्लेटफॉर्म इस तरह से मोशन करता हुआ नीचे आएगा, मोशन करते हुए नीचे आएगा, तो इस पॉइंट पर ये ब्लॉक लाइटेस्ट महसूस होगा, मीन्स लाइटेस्ट मीन्स इसका अपेरेंट वेट यहां पर सबसे कम होगा। और जब ये प्लेटफॉर्म इस एक्सट्रीम पोजिशन से जब ऊपर की तरफ मोशन करेगा, इधर इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जब प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा तब ब्लॉक का वेट सबसे ज्यादा होगा, यहां पर हैवीएस्ट फील करेगा ये ब्लॉक, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है। यहां पर एक्सेलरेशन अपवर्ड है, और यहां पर जब ये प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो यहां पर तो हल्का महसूस करेगा, और जब ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसका क्या बेटा प्रेशर नीचे आएगा, दबाव नीचे आएगा, तो यहां पर ये ब्लॉक सबसे हैवी महसूस करेगा। ये फिगर बना लो आप, बना लिया मेरे बच्चे? चलिएगा, द ब्लॉक इज एन एक्सेलरेटेड मोशन अप एंड डाउन अलोंग विद द प्लेटफॉर्म, क्योंकि ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना इस प्लेटफॉर्म का है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर नीचे से ऊपर गया, इस तरह से क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। तो जरा गौर से देखिए, इस ब्लॉक पर देखो वेट किधर है, डाउनवर्ड, और रिएक्शन किधर है, अपवर्ड, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक पर रिएक्शन आर बराबर क्या होगा, एम जी प्लस माइनस रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखिएगा, जब ये ब्लॉक यहां पर है, यहां पर है, जब ये ब्लॉक प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा है, तो उस केस में आर बराबर क्या होगा, एम जी माइनस आर बराबर होगा एम जी माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी आर बराबर एम जी माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन। और जब ये प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा होगा, यहां से जब ऊपर जाएगा, सोचो देखो जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, जब ब्लॉक यहां पर है वेट किधर है, नीचे, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन किधर है, आर ऊपर। जब प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन इसमें ऊपर है, तो इसका सीडो किधर आएगा, नीचे आएगा। तो इस आर में, इस केस में, इस जगह पर आर बराबर क्या होगा, आर बराबर प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसका इस एक्सेलरेशन का सीडो फोर्स नीचे आएगा, तो आर बराबर क्या होगा, एम जी प्लस इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम, ठीक है। और जब ये प्लेटफॉर्म इस एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे की तरफ आएगा इधर, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका सीडो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस केस में आर प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा एम जी, तो उस केस में आर बराबर क्या हुआ, एम जी माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब आर बराबर एम जी प्लस एम ए तो होगा कब, जब प्लेटफॉर्म यहां पर है, और जब प्लेटफॉर्म यहां पर है तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर होगा एम जी माइनस एम इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी, या तो एम जी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, या फिर एम जी माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन होगा,
क्लियर है? तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर क्या होगा, एम जी प्लस माइनस मास इंटू एक्सेलेरेशन, और ये एक्सेलेरेशन कौन सा है, इन एसएचएम एक्सेलेरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ये एक्सेलेरेशन की जगह पर लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर ए, इसमें से जरा कॉमन ले लो मास, एम कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा जी प्लस माइनस ये एक्सेलेरेशन। यहां तक बात क्लियर है? तो मैक्सिमम वेट कितना होगा, मैक्सिमम इफेक्टिव वेट ब्लॉक का कितना होगा, मैक्सिमम तो होगा एम जी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम इफेक्टिव वेट इसका होगा एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये बात क्लियर है? नॉर्मल वेट ऑफ द ब्लॉक इन मीन पोजीशन, जब प्लेटफॉर्म मीन पोजीशन पर है तो उस केस में ब्लॉक का नॉर्मल वेट कितना होगा, एम जी। क्लियर? इफ द बॉडी जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म, इफ द बॉडी जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म देन नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। इफ द बॉडी जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म मीन्स बॉडी प्लेटफॉर्म को जस्ट टच किए रहे, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन आर बराबर क्या होगा, जीरो। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन को आर को जीरो लिख दो। इफ द बॉडी जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म, उस केस में आर किस में जीरो लिखोगे आप, यहां पर जीरो लिखोगे आर। भाई कम से कम नॉर्मल रिएक्शन कितना हो सकता है, जीरो। तो जब बॉडी जस्ट प्लेटफॉर्म को लीव करने वाली हो तो इस आर की जगह पर क्या लिख दो, जीरो लिख दो। जरा ध्यान से सुनना, जब बॉडी प्लेटफॉर्म को जस्ट लीव करने वाली हो तो इसका मतलब मिनिमम रिएक्शन आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसकी जगह पर जीरो लिख दो, तो यहां पर जीरो लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो उस केस में एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर ए, एम से एम कैंसिल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन ए, स्क्वायर हटाओ तो ओमेगा बराबर रूट जी अपॉन ए। नोट करते जाना बच्चों, तभी समझ आएगा। क्लियर है? टाइम पीरियड को ये निकालना है। इन दिस रिलेशन ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म एंड ए इज एम्पलीट्यूड, वेयर ए क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, प्लेटफॉर्म की। तो ओमेगा की जगह पर, इस ओमेगा की जगह पर मैंने 2 पाई बाई टी लिख दिया, इस ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट जी अपॉन ए। टाइम पीरियड मुझे निकालना है तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई रूट ए अपॉन जी। नोट कर लो इस पॉइंट को, इफ टी इज लेस देन और जस्ट इक्वल टू 2 पाई रूट ए अपॉन जी, देन बॉडी और ब्लॉक विल लीव द प्लेटफॉर्म, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। नोट कर लो, क्लियर? इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, इस क्वेश्चन को आप नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ए ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग वर्टिकली विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड 1 सेकेंड। एट वॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म सेपरेट, मतलब उस ब्लॉक प्लेटफॉर्म का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जिससे ब्लॉक प्लेटफॉर्म को जस्ट प्लेटफॉर्म से जस्ट क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म एट दिस एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड पर प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो, क्वेश्चन में गिवन है, टाइम पीरियड दिया है उसने क्वेश्चन में कितना, 1 सेकेंड। क्लियर है? टाइम पीरियड दिया हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी मेरे बच्चे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई और टी की वैल्यू कितनी दी है 1 सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी, 2 पाई। इफ द ब्लॉक जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म तो मिनिमम रिएक्शन कितना होगा प्लेट ब्लॉक का, आर बराबर एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, मैंने अभी अभी डिक्टेट किया है ये। इफ ब्लॉक जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म तो आर को क्या लिख दो, जीरो। इफ द ब्लॉक जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म देन आर बिकम जीरो, और आर को जैसे जीरो लिखोगे तो क्या मेरे बच्चे, एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए, एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड
एम जी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए, ये टर्म मैंने यहां लिख दिया है, एम से एम कैंसिल, तो एम्पलीट्यूड निकल आएगा मेरे बच्चे ए बराबर जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेटफॉर्म व्हेन द ब्लॉक जस्ट लीव द प्लेटफॉर्म, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ए मैक्सिमम इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 9.8, टाइम पीरियड हमने निकाल चुके हैं बच्चों, ये रहा टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई निकला है, तो ओमेगा 2 पाई का स्क्वायर करो, तो ये वैल्यू तो 9.8, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, इसका स्क्वायर तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 9.8 को 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 9.8 पाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3.14 × 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 9.86 आती है बच्चों, पाई स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब नियर अबाउट 9.8 समझ लो इसे, पाई स्क्वायर से 9.8 कट जाएगा तो 1/4 मीटर, इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया आपका 0.25 मीटर। यहां तक बात क्लियर है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, इस एम्पलीट्यूड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, ए की वैल्यू दे रखी है 0.25, ओमेगा की वैल्यू निकली थी 2 पाई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आई मेरे बच्चे, पाई की वैल्यू रख देना यहां पर 3.14 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 0.25 × 2 × 3.14 सबका मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1.57 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक और देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यहां नोट करिए आप इसे, हॉरिजॉन्टल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल SHM ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, हॉरिजॉन्टल SHM ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इन टॉपिकों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लें आप। कोई प्लेटफॉर्म, ये कोई प्लेटफॉर्म है, कोई ब्लॉक मान लो आप इसको, और इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, ये वाली बॉडी, इस बॉडी का मास m, क्लियर है, ये ब्लॉक कोई प्लेटफॉर्म है ये, और इस पर कोई ब्लॉक रखा है ये वाला ऐसे, और ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में SHM करे ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से SHM करे, क्लियर है, जब ये प्लेटफॉर्म इधर जाएगा, मोशन प्लेटफॉर्म की इधर होगी तो ब्लॉक के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, इसके अपोजिट, और स्लाइड करने की टेंडेंसी जिधर होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके अपोजिट होगा। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मोशन इधर है, मोशन इधर है तो ब्लॉक के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी मेरे बच्चे, ब्लॉक इस ये प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये ब्लॉक, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है तो ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा भाई, प्लेटफॉर्म जैसे इधर गया, ठीक है नहीं, प्लेटफॉर्म इधर गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगेगा, और प्लेटफॉर्म इधर गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा अपोजिट। जैसे प्लेटफॉर्म की मोशन इधर है तो इस ब्लॉक और प्लेटफॉर्म की सरफेस जो है उसके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वेट कितना है mg, नॉर्मल रिएक्शन r, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट होगा म्यू इंटू r, और r की जगह पर क्या लिखेंगे mg, तो इस ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के सरफेस के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा कितना म्यू इंटू mg, और अगर इस प्लेटफॉर्म की मोशन इधर है, इसकी मोशन प्लेटफॉर्म की इधर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा, इधर उसके अपोजिट, वेट तो डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रहा, जस्ट ये ब्लॉक इस प्लेटफॉर्म पर क्या करता रहे SHM करे, उस केस में दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बात मैंने लिखी है, देखो, लेट ए ब्लॉक ऑफ मास m इज कैप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए
विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी एंड एम्पलीट्यूड ए विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। देख लिया यहां पर म्यू क्या है मेरे बच्चे, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज द रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक के लिए जस्ट किसका काम करे, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करे। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स कहां से मिल रहा है, उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक विल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग एसएचएम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एमजी। इस एम से एम कैंसिल हो गया और एसएचएम में एक्सेलरेशन होता है मेरे बच्चे ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस एक्सेलरेशन की जगह पर जरा चेक करो, इस एम से तो एम कैंसिल कर दूंगा मैं, देखो यहां से एम कैंसिल कर दिया, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, मैंने एसएचएम का एक्सेलरेशन लिख दिया है। यहां से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी बच्चों, और एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। देखो एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर निकल आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ए को नीचे ले लो, तो म्यू इंटू जी अपॉन ए और स्क्वायर हटाएंगे, ओमेगा की वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी आ गई ब्लॉक की कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट म्यू जी अपॉन ए, ठीक है ना। और ओमेगा की जगह पर लिख दो 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड निकल करके आ जाएगा मेरे बच्चे टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ए अपॉन म्यू इंटू जी। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। इन दिस रिलेशन म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड ए इज एम्पलीट्यूड। इफ टाइम पीरियड इज जस्ट इक्वल टू और लेस देन 2 पाई रूट ए अपॉन म्यू जी, देन बॉडी विल जस्ट स्लाइड अवे, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। यहां पर बात क्लियर है बच्चों, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट कर लिया जाए ये टॉपिक, फिर से समझ लो कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे चमक रही, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर कोई ब्लॉक रखा है और ये इस तरह से ऐसे चमक रहा है। जब ये प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में मोशन है तो ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, जब फ्लोट प्लेटफॉर्म की मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट एज द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर एसएचएम। तो एसएचएम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर किसके बराबर है, म्यू इनटू एमजी। रीस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू म्यू इनटू एमजी, एक्सेलरेशन को लिख दिया मैंने, एसएचएम का एक्सेलरेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए, एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू इनटू एमजी, एम से एम कैंसिल कर दो, एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी आपकी, एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी मेरे बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी निकल आई ओमेगा इज इक्वल टू रूट म्यू इनटू जी अपॉन ए। यहां तक यहां से ओमेगा निकल आएगा, ओमेगा की जगह पर लिख देना 2 पाई बाई टी, इस ओमेगा की जगह पर ओमेगा बराबर कितना है निकला है रूट म्यू इनटू जी अपॉन ए। क्लियर, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट म्यू इनटू जी अपॉन ए। तो टाइम पीरियड कितना आ गया मेरे बच्चे 2 पाई रूट ए अपॉन म्यू इनटू जी। इन दिस रिलेशन म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए इज एम्पलीट्यूड। इफ टाइम पीरियड इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई रूट ए अपॉन म्यू जी, देन द बॉडी और ब्लॉक विल स्लाइड अवे, दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी बात लिखी है मैंने, रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, इस पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अ ब्लॉक इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म और स्लैब विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी।
एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म इज 0.5। ठीक है ना। हाउ ग्रेट कैन द एम्पलीट्यूड, ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछा है उसने, हाउ ग्रेट कैन द एम्पलीट्यूड इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द स्लैब। ठीक है ना। प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो, हाउ ग्रेट कैन द एम्पलीट्यूड, यहां पर कॉमा लगा देना, इफ द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द स्लैब, कितना एम्पलीट्यूड हो जिससे ब्लॉक इस पर स्लैब पर स्लाइड ना करे, स्लिप ना करे। तो जरा देखिएगा यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका काम करेगा मेरे बच्चे, रीस्टोरिंग फोर्स का। हियर द ब्लॉक विल मूव विद द स्लैब ड्यू टू फ्रिक्शन, सो हियर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एमजी। ये कह रहा है, फिर से समझो बच्चों इस बात को, ये कोई प्लेटफॉर्म है ये वाला, और इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्लैब पर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का वेट किधर होगा, mg, रिएक्शन किधर होगी, r, प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में मोशन है अगर इसकी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा कितना, mu into mg। तो यहां पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस ब्लॉक की SHM के लिए किसका काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो यह द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक, कौन काम करेगा रिस्टोरिंग फोर्स का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू एमजी। इस एक्सेलरेशन की जगह पर लिख दो ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई की जगह पर एम्पलीट्यूड ए लिखा है मैंने बच्चों, एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, क्लियर। एम से एम कैंसिल, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर ए बराबर म्यू इनटू एमजी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड जब ब्लॉक स्लाइड न करे, इसके लिए एम्पलीट्यूड जस्ट किसके बराबर हो, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5, जी की वैल्यू डाउट, जी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में गिवन है, 9.8 नहीं है दिए तो 9.8 देखो। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर लिख सकता हूं मैं 2πn और इसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो 0.5, 9.8 अपॉन 2πn, 2π और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है ना, इस वैल्यू को सॉल्व कर लो बच्चों, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकल के आएगा आपका कितना, 0.031 मीटर, मतलब सेंटीमीटर में लिखेंगे आप 3.1 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। चलिएगा आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, किसी हैवी पॉइंट मास को किसी इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड करा दें, किसी हैवी पॉइंट मास, कोई ऐसी बॉडी हो जिसका साइज कैसा हो, पॉइंटेड जैसा, और हैवी का मतलब अनलिमिटेड उसमें वेट हो, और इसको किसी ऐसी स्ट्रिंग से बांध दें जिस स्ट्रिंग में क्या मासलेस स्ट्रिंग हो, और इस हैवी बॉडी को सस्पेंडेड करा दें, तो ये स्ट्रिंग खींचे नहीं, इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये स्ट्रिंग खींचनी नहीं चाहिए, और इस अरेंजमेंट को किसी रिजिड सपोर्ट से, किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड करा दें, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं मेरे बच्चे आइडियल सिंपल पेंडुलम। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि न तो कोई हैवी, कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जिसका साइज पॉइंट जैसा हो और बहुत ज्यादा हैवी हो, ना ही कोई ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास है जो इनएक्सटेंसिबल मतलब हैवी वेट को उस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड करा दें, तो ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल का मतलब खींचे नहीं,
और इस स्ट्रिंग में खुद कोई वेट ना हो, और इस हैवी पॉइंट मास को इन एक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से अटैच करके और इसको किसी रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड करा दें, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है आइडियल सिंपल पेंडुलम। इट मींस आइडियल सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते, ये केवल एक आइडियल शब्द लिखा तो है, एक तो केवल आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। लिखा है मैंने ए हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट कंस्टिट्यूट्स एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, बट आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिस। आइडियल सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली हम नहीं बना सकते, तो जो बनाते हैं ना हम वो आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं बनाते बच्चों, सिंपल पेंडुलम कहते हैं हम उसको। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, किसी एक मेटल बॉब को, एक सॉलिड मेटल बॉब को किसी स्ट्रिंग से बांध कर, कोई मेटल बॉब लो और उसको किसी डोरी से बांध दो और किसी, समझ गए ना, रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड करा दो, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मेरे बच्चे सिंपल पेंडुलम, नॉट आइडियल सिंपल पेंडुलम। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यही बात मैंने लिखी है मेरे बच्चे, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इन प्रैक्टिस ए स्मॉल हैवी मेटल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंस्टिट्यूट ए सिंपल पेंडुलम। क्या बनाते हैं हम, सिंपल पेंडुलम बनाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है मेरी बच्ची सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, ये सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ कहते हैं इसको। इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जहां पर इस को लटकाया है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो लेंथ है, उस लेंथ को सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है बच्चों। क्लियर, ये तो बात क्लियर हो गई। नाउ व्हेन ए पेंडुलम इज पुल्ड टू वन साइड अप टू ए डिस्टेंस वाई एंड रिलीज्ड, हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम लिया मेरे बच्चे, देखो जरा यहां पर ध्यान से सुनो, ये कोई सिंपल पेंडुलम है बच्चों, देखो जरा ध्यान से यहां, ये कोई सिंपल पेंडुलम है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये रहा, सिंपल पेंडुलम का ये बॉब है, इस बॉब को पकड़ा और हमने मीन पोजीशन ए से वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस किया और यहां पर ले जाकर के हमने छोड़ दिया। तो ये बॉब जैसे ही यहां से छोड़ो गया तो ये बॉब क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा, ऐसा चल, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस बॉब को हमने मीन पोजीशन से एक डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, जिससे इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो वाई और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। एट पॉइंट बी वेट ऑफ दिस बॉब एम जी कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये एम जी साइन थीटा। दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन और इस स्ट्रिंग में टेंशन मैंने मान लिया मेरे बच्चे टी डैश। तो एट पॉइंट बी टेंशन टी डैश एंड कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो दीज टू फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर। शर्त यह है कि ये एक्सट्रीम पोजिशन होनी चाहिए, तो यहां पर ये दोनों फोर्स तो कैंसिल आउट हो गई और ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना एम जी साइन थीटा, ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन, जो कि इस बॉब को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। इसीलिए ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करे, उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स।
तो इस बॉब के लिए ये जो फोर्स लग रहा है mg sin theta towards mean position है, so this force will act as restoring force which tries to bob its original position or its mean position. फिर से समझो इस बात को. यहां पर मैंने ये बात नोट किया बच्चों, देखो यहां पर ये पॉइंट मैंने नोट किया. Now when the pendulum is pulled to one side up to distance y and released, हमने इस बॉब को y डिस्टेंस एक तरफ पुल्ड किया और यहां ले जाकर के इसको छोड़ दिया. इट विल स्विंग टू एंड फ्रो एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर देख रहे हैं आप. यहां पर y तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या चीज है इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा. ये फिगर बना लो आप, बना लिया फिगर बना लिया मेरे बच्चे. ये तो इसकी मीन पोजीशन है बच्चों, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. जरा ध्यान से सुनना, यहां पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी. जब इस ब्लॉक को ए से बी तक ले गए, वाई दूरी डिस्प्लेस करा के, एट बी वेट ऑफ बॉब कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. इसका वेट mg हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक तो mg cos थीटा और एक mg sin थीटा. मैंने यही लिखा है, एट पॉइंट बी वेट ऑफ बॉब mg कैन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. क्लियर, पहला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट. एट एक्सट्रीम पोजीशन टेंशन t डैश इन स्ट्रिंग, दिस टेंशन t डैश इन स्ट्रिंग एंड mg cos थीटा, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा और स्ट्रिंग में टेंशन t डैश आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, जिससे ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट. इस mg के तो हमने दो कंपोनेंट कर दिए, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं. mg के दो कंपोनेंट किए, एक तो mg cos, एक mg sin. ये फोर्स बराबर इसके है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल. ठीक है ना, अब ये फोर्स कौन सा लगा रह गया, mg sin theta किधर है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन. तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, mg sin theta towards its mean position. So this force will act as restoring force which tries to bring the bob to its original position. So here restoring force, so here restoring force on the bob is equal to mg sin theta. Restoring force mg sin theta के बराबर है, और ये माइनस लिखा है, इसका मतलब restoring force directed always towards mean position, क्योंकि restoring force इस displacement के अपोजिट है. ये माइनस साइन यही बता रहा है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है. तो यहां पर restoring force देख लो जरा गौर से, यहां पर mg sin theta किसके बराबर है, restoring force के बराबर है. तो restoring force बराबर माइनस mg sin theta. ध्यान से सुनना आप, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज रिटन एज थीटा. अगर ये एंगल छोटा होता, अगर ये एंगल छोटा है, तो उस केस में मेरे बच्चे इस साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है. ये पॉइंट नोट कर लेना, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज रिटन एज थीटा. मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखना हमेशा के लिए. इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, इस पॉइंट को ध्यान रखना, देन साइन थीटा इज रिटन एज थीटा, रिटन एज थीटा एंड कॉस थीटा इज रिटन एज वन एंड थीटा इज रिटन एज टेन थीटा. जरा गौर से देखना, अगर एंगल कहीं पर आपने लिखा है एंगल बहुत छोटा है, तो उस केस में साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है, cos थीटा को 1 लिखा जाता है, और एंगल कम है तो उस केस में थीटा को फिर tan थीटा लिखते हैं बच्चों. थीटा को sin, भाई sin थीटा को तो थीटा लिखते हैं, एंगल छोटा है तब, और थीटा को लिखा जाता है tan थीटा. ये तीन पॉइंट नोट कर लेना, जनरल मैथमेटिक्स के पॉइंट है ये, नोट कर लो इस पॉइंट को, नोट कर लो
इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज रिटन एज थीटा, तो इस साइन थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स मास इंटू एक्सलेशन ड्यूरिंग एसएचएम, तो मास इंटू रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर तो लिख दिया है मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी, और साइन थीटा को एंगल छोटा होने की वजह से मैंने क्या लिख दिया है थीटा। क्लियर, जरा गौर से देखो यहां पर एम से एम कैंसिल हो गया, देखो इस एम से ये एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, और यहां पर थीटा की जगह पर देखो मैंने क्या लिख दिया वाई अपॉन एल। क्यों लिख दिया है देखो फिगर में द्वारा से बना के दिखाता हूं। यहां पर ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है, यहां पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बॉब को यहां से यहां ले गए, गौर से देखना इस पॉइंट से हम यहां ले गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई, ठीक है ना, और ये इसका एंगल थीटा है, और इस स्ट्रिंग की इफेक्टिव लेंथ एल है, और इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को क्या लिखा है आपने थीटा लिखा है, तो इस केस में इस ट्रायंगल में जरा गौर से देखो एंगल जब छोटा है तो इस एंगल के लिए इसको क्या मान सकते हैं आर्क, और इसको मान सकते हैं रेडियस, तो यहां पर थीटा बराबर आर्क अपॉन ये रेडियस इफेक्टिव लेंथ, तो थीटा की जगह पर लिख सकता हूं मैं वाई अपॉन एल, तो इसीलिए इस थीटा की जगह पर हमने लिखा है वाई अपॉन एल। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है, इस बात को मैंने यहां नोट कर दिया, ये रहा दिस एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क तो वाई हो गया, और अपॉन रेडियस ये वाली डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो इफेक्टिव लेंथ, तो थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल, तो एंगल अगर छोटा है तो इस थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है साइन थीटा को थीटा लिखा, और थीटा को लिखा वाई अपॉन एल। यहां तक बात क्लियर है, तो जरा गौर से देखो इसे इस इक्वेशन को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इंटू वाई अपॉन एल, जी अपॉन एल को तो मैंने अलग लिख लिया बच्चों, जी अपॉन एल को तो मैंने यहां पर अलग लिख लिया, देखो जी अपॉन एल तो ये लिख लिया, और इंटू ये वाई को सेपरेट कर दिया, ये माइनस साइन है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। इन दिस रिलेशन जी अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट, जी अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी किसकी है एसएचएम की है, इसका मतलब बॉब का एक्सेलरेशन उस बॉब के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्रॉपर्टी किसकी है एसएचएम की है, इसीलिए मैंने लिखा है यहां पर hence pendulum will execute simple harmonic motion, इसका मतलब पेंडुलम क्या करेगा एसएचएम करेगा, और अगर एसएचएम करेगा तो फॉर एसएचएम एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर कर दो, फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही सेकंड इक्वेशन ये रही, ये लिखा है मैंने कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट, देखो ये एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन ये डिस्प्लेसमेंट बाई ये बाई, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आया है इसमें जी अपॉन एल, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर किसकी जगह पर आया है जी अपॉन एल की जगह पर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से, जरा गौर से देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन एल, स्क्वायर हटाओ ओमेगा बराबर रूट जी अपॉन एल, और इस ओमेगा की जगह पर लिख दो टू पाई बाई टी, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, टाइम पीरियड निकल आएगा टी बराबर टू पाई रूट एल अपॉन जी, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लीजिए मेरे बच्चे, देख लिया, सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, यहां पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है इस वाले फॉर्मूले में कहीं बॉब का मास है नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एज वेल एज एम्पलीट्यूड, सो द टाइम पीरियड ऑफ बॉब इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एंड एम्पलीट्यूड, क्या बेटा सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है बॉब के मास पर और उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, शर्त यह है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल अप टू 15 डिग्री ओनली, केवल ये रिलेशन तभी अप्लाई होगा मेरे बच्चे
जब थीटा की वैल्यू कम है और कितना लगभग नियरली 15 डिग्री है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का मान एम्पलीट्यूड और बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। इफ थीटा इज वेरी लार्ज, अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा जाता है मेरे बच्चे, इस फॉर्मूले की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती। इफ थीटा इज वेरी लार्ज तो टाइम पीरियड के लिए रिलेशन लिखा जाता है ये वाला, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और यहां पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 60। यहां पर थीटा क्या, थीटा नॉट क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इस फॉर्मूले की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसको याद मत करना, लर्न मत करना, केवल ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का याद रखो, इसी की जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको दो टॉपिक बताए हैं, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, इफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म मूव्स अप और डाउन, और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल एसएचएम करे तो उसका टाइम पीरियड मैंने बताया है, अप और डाउन एसएचएम करे तो उसका टाइम पीरियड बताया है, और एक बताया है मैंने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है ना। इस वीडियो को बच्चों एक दो बार देख लो, ठीक है ना। इस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ आउटलाइंस बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को एक दो बार देखें और रिवाइज करें।